हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मस्त होंगे। तो गाइस देख रहे हैं, अभी हमारे सामने लग गई है स्प्लेंडर का एक्स टेक मॉडल और ये है ग्लैमर का एक्स टेक मॉडल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट बाइक कौन है, ग्लैमर है या एक्स टेक स्प्लेंडर है, और इसका क्या ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा। इसके कॉम्पेरिजन की बात कर ले तो कौन सा इंजन बेस्ट है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बात करने वाला है। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स टेक की। तो एक्स टेक के पास आप देख सकते हैं दो कलर स्ट्रिकिंग देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसका जो मीटर कंसोल है आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाता है, वहाँ भी उसमें भी डिजिटल देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन से। तो फर्स्ट सस्पेंशन जो है आपको टेलीस्कोपिक में इसका भी मिल जाता है, और फ्रंट सस्पेंशन का बात कर ले तो टेलीस्कोपिक में इसका भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्रंट की ब्रेकिंग सिस्टम से। तो ये आपको IBS में मिलेगा और ये भी आपको IBS में मिल जाएगा, जैसा कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आपको अगर फाइनली गाइस बात कर ले इसके फ्रंट लुक से, तो फ्रंट लुक में देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो कलर टोन में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ DRLs आपको LED में देखने को मिले, हेडलाइट है आपको फुली LED में देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर की बात कर ले तो ये भी आपको इंडिकेटर बल्ब में देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट का फेंडर जो है इसका फाइबर बॉडी में काफ़ी बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ लगाया गया है, जो कि ग्लॉसी में है। और इसका अगर बात कर ले तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे हीरो का एक बैजिंग जो कि क्रोम की फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये DRLs है जो कि आपको डायमंड कट में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग, यहाँ पे अपर डिपर लोअर डिपर यहाँ पे सामने देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर फ्रंट फेंडर की बात कर ले तो ये आपको फुली फाइबर बॉडी में दो कलर टोन के साथ है, यानी आप एक ये कलर टोन और ये कलर टोन यहाँ से देख सकते हैं, आपको दो चेंजमेंट देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सेक्शन में सबसे बड़े चेंजेस की। तो सबसे बड़े चेंजेस में बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मीटर का है, मीटर का वायर यहाँ पे है, और आपको इस गाड़ी में मीटर का वायर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको इंजन से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये है 2022 की अपडेटेड स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक की बेस्ट फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन सेक्शन से। तो इंजन सेक्शन का गाइस बात कर ले तो ग्लैमर में आपको 10.6 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाता है, 10.7 PS की मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाती है, और इंजन कैपेसिटी की बात कर ले तो 124 CC की इंजन कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं सीट हाइट की। तो सीट देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुली सिंगल सीट देखने को मिल जाता है, जिसकी कुशनिंग भी काफ़ी बेस्ट है। और ग्रैब हैंडल की बात कर ले तो ग्रैब हैंडल में आपको इस गाड़ी में चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि इसका ग्रैब हैंडल जो है स्मूथली है, और इसका आपको एक कैरियर के टाइप में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई दुकान है, अगर आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको कैरियर में सामान रखने के लिए काफी इजीली पड़ जाएगा। तो गाइस अगर इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर के बारे में बात कर ले तो 8 PS की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम टॉर्क की बात कर ले तो 8.0 न्यूटन मीटर के मैक्सिमम टॉर्क, साथ ही साथ एक्स टेक का यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर देखने को मिल जाता है, स्प्लेंडर प्लस का बैजिंग देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की बात कर ले तो एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ भी मिल जाता है, और यहाँ भी बात कर ले तो एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ भी देखने को मिल जाता है। चैन कवर देख सकते हैं आपको, ये आपको फुली कवर्ड चैन कवर है, और इसमें बात कर ले तो ये भी आपका फुली कवर्ड चैन कवर देखने को मिल जाता है। तो गाइज अगर ओवरऑल बात कर ले ये गाड़ी दोनों में बेस्ट कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी आपको हमने जैसा कि बताया, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल कॉल, मैसेज सारा कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। उस गाड़ी में भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको सारा कुछ वही सेम चीज़ मिल जाता है। सबसे पहले अगर बात कर ले इसके चार्जिंग कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका चार्जिंग कनेक्टिविटी, एक USB पोर्ट ऑप्शन यहाँ भी देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं इस गाड़ी में, तो यहाँ भी आपको एक USB पोर्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाड़ी का अगर लुक देखें तो दोनों का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। लेकिन बात करते हैं इसके प्राइस डिफरेंस की, तो इसका जो प्राइस का डिफरेंस है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर आप भी अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए बाइक लेना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये दोनों में से कोई एक ले लें, क्योंकि दोनों का इंजन है, काफ़ी डिफरेंस है इंजन में, काफ़ी बेहतरीन इंजन इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। और आपको मैं बता दूं कि हीरो का जो बाइक होता है, अगर आप उसको 5 साल 6 साल यूज़ करने के बाद अगर रीसेल करोगे तो रीसेल वैल्यू भी हीरो से ज़्यादा अभी तक कोई बाइक का नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये बाइक आनंद ऑटो बाइक्स रांची रोड रेडमा नियर ठाकुरबाड़ी मंदिर के जस्ट, ये देख रहे हैं ठाकुरबाड़ी मंदिर के जस्ट अपोजिट में शोरूम है, आप यहाँ पर शोरूम विजिट करिए और अपने पसंद की जो भी गाड़ी लेनी है लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड, इस गाड़ी का प्राइस से रिलेटेड, या कोई भी, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने सिर्फ गाड़ी लगी हुई है, अगर आप इस गाड़ी में से कोई भी गाड़ी का प्राइस पूछना चाहते हैं, ऑन रोड प्राइस पूछना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं इसके रियर टायर सेक्शन में। तो रियर टायर सेक्शन आप देख सकते हैं 180x118 इंच में फुल ट्यूबलेस टायर के साथ देखने को मिल जाता है। उसमें बात कर ले तो इसमें भी आपको एक 100x80x18 इंच का इसका भी रियर का टायर देखने को मिल जाता है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कटऑफ भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, यानी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका स्टैंड लगा हुआ है, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा।
ये अगर फीचर्स की बात कर ले तो आपको ये दोनों बाइक में देखने को मिल जाती है। इसका भी इंजन कटअप साइड स्टैंड इंजन कटअप, इसका भी साइड स्टैंड इंजन कटअप देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल लुक की बात कर ले तो लुक सारा कुछ सेम है। इसमें आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, सबसे बड़ी यही डीमेरिट है इस गाड़ी की। वहाँ पे भी देख सकते हैं, उसमें इंजन किल स्विच देखने को नहीं मिलेगा। i3s के साथ आपको ये i3s टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात कर लेते हैं ऑयल टैंक की, तो ऑयल टैंक भी हमने बता दिया है। यहाँ पे ब्लू कलर का स्ट्रिपिंग है। इसका एक दो और मॉडल है जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ब्लू कलर में ही है। और इसका और मॉडल नहीं है ना, इसका कलर कोई दूसरा वेरियंट में इसका कोई तो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी ब्लैक है लेकिन ऊपर है, तो थोड़ा आपको हम ब्लैक नहीं दिखा सकते हैं। फोटो में आप देख रहे होंगे यही कलर का गाड़ी है। अगर उस सिल्वर ब्लैक कहाँ पे है, और गाइस अगर बात कर ले इधर में, तो देख सकते हैं स्प्लेंडर की ओल्ड मॉडल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको मिलेगा ये फुली एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है, इसमें कहीं से भी कोई डिजिटल मीटर नहीं मिलेगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये तीन तार है, जैसा कि अभी आपको दिखा रहे हैं, एक दो तीन तार बोलने का सेंस कि आपका जो मीटर वायर है इंजन के साथ कनेक्ट नहीं है। इंजन के साथ आपको न्यू वाली जो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक है उसमें कनेक्ट करने को मिलती है। इससे पहले मैम से एक बार प्राइस पूछ लेते हैं, प्राइस इस गाड़ी का क्या है ये दोनों का। तो मैम इस गाड़ी का प्राइस क्या है, ये ग्लैमर का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ जाएगा? ग्लैमर एक्सट्रेक ड्रम का आपको 96,897 ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस 96,000। और अगर एक्सट्रेक की बात कर ले तो एक्सट्रेक का प्राइस आएगा आपको 87,877। अच्छा, और ये किस शोरूम में, किस शोरूम में? आनंद ऑटो बाइक हीरो शोरूम, रांची रोड, डाल्टनगंज, रेड़मा, ठाकुर बाड़ी मंदिर के जस्ट सामने। तो गाइज आपने देख लिया यहाँ पे आनंद ऑटो बाइक्स रांची रोड रेड़मा नियर ठाकुरबाड़ी मंदिर, ये देख रहे हैं हमारे सामने रोड है, रोड के जस्ट अपोजिट में शोरूम है। और यहाँ पे आपको मैम से हमने प्राइस भी बता दिया। तो चलिए, आपको ये दोनों गाड़ी में सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी लगती है एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी स्कॉर्पियो जो लॉन्च हुआ उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।